हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना और वो आता कहाँ से है। आपने आज खाने में क्या खाया था ये पता करिए कि आपके दोस्त ने क्या खाया था। क्या आप लोगों ने एक ही तरीके का खाना खाया था? हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे, है कि नहीं। नाउ फूड वेराइटी एक्टिविटी 1, अपने दोस्तों से पूछिए स्कूल में कि वो उस दिन खाने में क्या खाएंगे। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपके दोस्त इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहते हैं तो उनसे भी पूछिए कि वो खाने में क्या खाएंगे और उन सबको आप टेबल 1.1 में लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। नाउ देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड्स दैट वी ईट। देखिए, जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटी हैं और ये वैरायटी, ये जो फूड होते हैं, फूड आइटम्स, ये किस चीज़ के बने होते हैं। थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। जो राइस हम घर में कुक करते हैं उसके बारे में सोचिए। हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं क्या? एक तो होते हैं चावल, कच्चे चावल, रॉ राइस, और दूसरे क्या होते हैं? वाटर। हम बॉयल्ड वाटर में राइस को डाल के कुक्ड राइस बना लेते हैं, जबकि कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जिन्हें बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, जैसे वेजिटेबल करी या फिर जिसे हम कहें सब्जी। हमें उसमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। अब ये कह रहे हैं कि जो आपने टेबल 1.1 में आइटम्स लिस्ट करे थे उन्हें टेबल 1.2 में लिस्ट करिए और ये पता करिए कि इन्हें बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखते हैं फिगर टेबल 1.2 में फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम है यहाँ पर रोटी और चपाती और इसका इंग्रेडिएंट क्या है? आटा, वाटर। फूड आइटम है यहाँ पे दाल और इसका इंग्रेडिएंट क्या है? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस, ठीक है। आपने देखा होगा कि रोटी बनाने के वक्त के लिए हमें आटे की ज़रूरत पड़ती है और आटा कैसे सेट होता है? फ्लोर में वाटर मिला के हम मम्मी या जो है हमारी वो आपका आटा सेट कर लेती हैं, फ्लोर सेट कर लेती हैं और उससे क्या बनता है? आपकी चपाती बनती है। दाल में पल्सेस की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सॉल्ट की, नमक की ज़रूरत होती है, ऑयल, घी की ज़रूरत होती है, स्पाइसेस मतलब मसालों की ज़रूरत होती है। हमें क्या पता चला? क्या कुछ चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स कॉमन है? बिल्कुल, कुछ चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं, जैसे कि वाटर। आपको अगर आटा सेट करना है, आपको अगर वेजिटेबल करी बनानी है, आपको अगर दाल बनानी है, तो हर एक चीज़ में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कह रहा है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं तो आते कहाँ से हैं? देखिए, दो सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है और एक एनिमल सोर्स होता है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से आते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स। राइस का सोर्स क्या होता है? वीट का सोर्स क्या होता है? देखिए, ये कह रहा है कि आपने राइस पैडी और वीट फील्ड्स देखे होंगे, है ना, जो हमें ग्रेन्स देते हैं। और फिर कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि मिल्क हुआ, एग हुआ, मीट हुआ, जो कि एनिमल से मिलते हैं। एक्टिविटी 3 की बात करते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर। अब वो कह रहा है कि जो फूड आइटम्स हमने पहले लिए थे उन्हें लिस्ट करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और पता करते हैं कि वो आए कहाँ से हैं। द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज, मतलब कि जो इंग्रेडिएंट्स हम खाने में यूज़ करते हैं उनके सोर्सेज। कुछ के जो एग्जांपल हैं वो फिगर 3.1 टेबल 1.3 में दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, फूड आइटम्स इंग्रेडिएंट्स, राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से। उड़द दाल जो है पल्सेस हैं। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? ओशन वाटर से, ठीक है। चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? चिकन क्या है? चिकन हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। ऑयल और घी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स या फिर एनिमल्स एक्सट्रैक्ट से, ठीक है। खीर में क्या क्या डलता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मिल्क होता है। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से। राइस प्लांट से। और शुगर मिलता है हमें शुगर केन से, जो अगेन हम प्लांट्स में कैटेगराइज कर देंगे। नो व्हाट नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड करा? प्लांट जो हैं वो सोर्स होते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स का, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, एग्स मिलते हैं।
काओ, गोट और बफेलो जो है वो कॉमन एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ करे जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप कुछ और एनिमल्स जो हैं उन्हें नेम कर सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं? प्लांट पार्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स आर एज फूड। प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को हम एज फूड कैसे यूज़ करते हैं? प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आ फूड। प्लांट्स जो हैं हमारा एक सोर्स है खाने का। विच पार्ट ऑफ प्लांट? देखिए, एक पार्ट के भी कई प्लांट होते हैं जो हम फूड में खाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ की हम लीव्स यूज़ करते हैं, कुछ की हम सीड यूज़ करते हैं, किसी की रूट यूज़ करते हैं, किसी की स्टेम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे पालक की सब्जी हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लीव्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स का हम फ्रूट खाते हैं, कुछ की हम रूट्स खाते हैं और कुछ के हम स्टेम्स खाते हैं। इनफैक्ट कुछ का तो हम फ्लावर्स भी खाते हैं। क्या कभी आपने पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट और उसको फ्राई करके खाया है? ट्राई करिएगा। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। देखिए क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में एक से ज़्यादा पार्ट होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड प्लांट के सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है, और उसके लीव को हम वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बनाना के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, और भी एग्जाम्पल सोचिए जो हम एक प्लांट से लेकर कई चीज़ों में उसकी कई पार्ट्स खाते हैं। प्लांट पार्ट्स एज फूड। नाउ ब्रिंजल करी में देखिए, इंग्रेडिएंट्स, सोर्स एंड प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। ब्रिंजल, ब्रिंजल क्या है? ब्रिंजल फ्रूट है, ठीक है। चिली एज स्पाइस एनी अदर, ये क्या है? फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स, ये क्या है? सीड से मिलते हैं हमको, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 4। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those item whose ingredients are obtained from plants. अब वो कह रहा है कि table 1.3 में हमने जो भी items list करे हैं उसमें से हमें जो जो plants से मिलता है वो list करिए, इन्हें identify करिए, identify these and list the food items and plant parts. Okay, now यहाँ पे activity 5 है, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए। ये कह रहा है कि आप मूंग दाल लीजिए या फिर चना दाल लीजिए, उसे थोड़े से सीड्स को, ठीक है, थोड़े से सीड्स को पानी में डाल दीजिए एक रात के लिए, ठीक है। फिर क्या करिए, अगले दिन उठिए और उस पानी को निकाल दीजिए और मूंग दाल को गीले कपड़े से, वेट क्लोथ से आप कवर कर दीजिए। अब अगले दिन आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जो मूंग है या फिर चना दाल है उसके वाइट कलर के स्प्राउट्स निकल आए हैं, जैसे कि फिगर 1.5 में देखिए राइट वाली इमेज को, ठीक है। और अगर पहली बार में ऐसा ना हो तो एक बार और ये प्रोसेस रिपीट करिए, तो तब आपकी जो चना या मूंग दाल है वो स्प्राउटेड हो जाएगी, ठीक है। नाउ आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स, इन स्प्राउटेड सीड्स को जब ये स्प्राउट हो जाए आप धो के खा भी सकते हैं, और अगर आपको और भी इन्हें टेस्टी बनाना है तो आप इन्हें बॉयल करके इनमें स्पाइसेस या मसाले ऐड करके डाल के कंज्यूम करिए। क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? हनी, शहद आप लोगों ने खाया होगा। आप कभी बी हाइव गए हैं? वहाँ पे इतनी सारी हनी जो है वो बस करती रहती हैं। बीस कलेक्ट नेक्टेयर, नेक्टेयर क्या होते हैं? स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। बीस क्या कलेक्ट करती हैं? नेक्टेयर, स्वीट जूसेस कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स से, उसे कन्वर्ट करती हैं हनी में और उसे हाइव में स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टेयर मे बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ अ ईयर। फ्लावर्स जो नेक्टेयर होते हैं वो पूरे साल अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ साल के कुछ टाइम में अवेलेबल होते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टेयर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो बीज क्या करती हैं? इस नेक्टेयर को स्टोर कर लेती हैं पूरे साल के लिए। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हमें हनी का मिलता है, जो ये सारा शहद हनी स्टोर करे रखती हैं, हमें जब भी बीहाइव मिलती है हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। What do animals eat? एनिमल्स क्या खाते हैं? क्या आपके पास कैटल है, मतलब क्या आपके पास काउ या बफेलो है, या आपका कोई पेट है, फॉर एग्जाम्पल डॉग या कैट या कुछ भी, ठीक है।
यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड एंड एनिमल्स ईट. वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? हैव यू एवर एब्जॉर्ब्ड वॉट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? देखिए, आपको कुछ का तो आइडिया होगा कि क्या खाते हैं, लेकिन क्या ये पूछे कि आपको आइडिया है कि पिजन, लिजर्ड या स्मॉल इंटेक्स या स्मॉल इंसेक्ट क्या खाते हैं? ठीक है, देखिए, जैसे पिजन क्या खाते हैं, पिजन खाते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स को. लिजर्ड्स क्या खाती हैं, लिजर्ड्स खाती हैं मॉस्किटोज़ वगैरह को. ठीक है, और स्मॉल इंसेक्ट क्या खाते हैं, ये फीड करते हैं आपके जो लैंड पे या सॉइल में कुछ भी आपके आइटम्स मिलते हैं, कुछ होते हैं जो अर्थ वॉर्म्स वगैरह को खाते हैं. ठीक है, नाउ एक्टिविटी 6. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन. ओके, यहाँ पर टेबल 1.5 में देखिए, एनिमल्स एंड देयर फूड्स. बफेलो क्या खाती हैं? ग्रास खाती हैं, ऑयल केक खाती हैं, हे खाती हैं और ग्रीन्स खाती हैं. कैट क्या खाती हैं? कैट खाते हैं स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को, एंड दे कंज्यूम मिल्क. ठीक है, ऐसे ही रैट्स क्या खाते हैं? रैट्स आपने देखा होगा, ये छोटी, जैसे आप कभी छोटी सी चपाती डाल दीजिए या कुछ भी लेफ्ट ओवर होता है, ये वो खा लेते हैं. ठीक है, लायन क्या खाते हैं? लायन जो है हंट करता है, ये डियर खाते हैं या फिर ये किसी भी एनिमल को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, ऐसे ही ये दिया हुआ है. ये हम अलग एक वीडियो में, जो हमारी क्वेश्चन आंसर्स जिसमें हम प्लेस करेंगे, उस वीडियो में हम प्लेस कर देंगे. नाउ एक्टिविटी 7. एक्टिविटी 7 में कह रहा है कि आप जो है टेबल 1.5 को दोबारा देखिए एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज. और इस टेबल में इन्हें एंटर कर दीजिए. देखिए, प्लेस द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट. ये कह रहा है कि जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें ग्रुप 1 में प्लेस करिए. और उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे हर्बीवोर्स. देखिए, जो हमारे एनिमल्स सिर्फ प्लांट या प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस. ठीक है, देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को कंज्यूम करते हैं, उन्हें ग्रुप 2 में प्लेस करिए. उन्हें हम क्या कहेंगे? जो एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम कहेंगे कार्निवोरस. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आप ऐसे एनिमल्स को जानते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं? उन्हें हम ग्रुप 3 में रखेंगे, जिन्हें हम कहेंगे ओमनिवोरस. प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन. ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो एनिमल्स प्लांट्स या प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस. जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम कहेंगे कार्निवोरस. और जो एनिमल्स दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस. ठीक है, वी नो दैट देर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड. हमें पता है कि हमारे बीच में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सफिशेंट खाना नहीं मिलता. वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री. हमें ऐसा तरीका निकालने की ज़रूरत है जिससे और फूड जो है प्रोड्यूस हो सके हमारी कंट्री में, जिससे सबको मिल सके. दैट विल नॉट बी इनफ. वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इन्श्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. हमें ये इन्श्योर करने की ज़रूरत है कि हम सबको खाना मिले. नाउ यहाँ पे कीवर्ड्स देख लीजिए. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं सामग्री को, अलग अलग चीज़ें जो हमारे खाने में डलती हैं. एडिबल मतलब खाने के योग्य, जो हम खा सकते हैं. कोई भी चीज़ जो हम खा सकते हैं वो एडिबल होती है. नेक्टेयर होता है. नेक्टेयर क्या होता है? आपकी हनी बीज कलेक्ट करती हैं ये आपके हनी के प्रोडक्शन में. ठीक है, स्प्राउटेड सीड्स का क्या होते हैं? स्प्राउटेड सीड्स होते हैं जब आप सीड्स को वेटनेस दें या फिर आप उन्हें पानी में डिप करके रखें, तो जो आपकी दाल जो है स्प्राउट कर जाती है वाइट कलर की टेल के साथ, उसे हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं. हर्बीवोर कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं. कार्निवोर कौन होते हैं? जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं. और ओमनिवोर कौन होते हैं? जो एनिमल्स बोथ प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं. ठीक है, नाउ समरी में देख लेते हैं. अब ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है उस फूड में जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में खाया जाता है. देखिए,
हमारे नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का खाना खाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग वेजिटेबल करी खाते हैं, हम लोग दाल खाते हैं, हम चपातीज़ खाते हैं, हम लोग राइस खाते हैं। साउथ इंडिया में जैसे डोसा खाते हैं बहुत ज़्यादा, जो राइस बेस्ड फूड है साउथ इंडिया में वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हमारे जो मेन सोर्सेज होते हैं फूड के वो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस। एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। और एनिमल्स जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं वो होते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर जो है इनकी एक हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो हम प्लेस कर देंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।